मेरे अंदर की थोड़ी सी रोग हो आनंद भेजिएगा। मैं अपने अंदर के घर गया और अंदर जी ने मेरे चाय बनाई। मैं अपने अंदर जी के घर गया, अंदर जी ने मेरे चाय बनाई। मैंने चाय के इंतजार में अपने पॉकेट से स्मार्टफोन निकाल लिया और स्मार्टफोन देखकर मैं जाने क्यों अंदर को गुस्सा सा आ गया। अंदर बोले हाय रे स्मार्टफोन, इसने दुनिया को बिगाड़ दिया। हाय रे स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन ने दुनिया को बिगाड़ दिया। एक हमारा जमाना था, जब नोकिया का छोटा सा स्मार्टफोन चलता था, घर बैठे विदेशों तक पहुंच रहे हैं। मैं अंदर जी से बोला, अंदर जी क्या आपके जमाने में थे संदीप कोश्यारी जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स? क्या आपके जमाने में थे संदीप कोश्यारी जैसे मोटिवेशन स्पीकर? अंदर जी बोले बेटा ध्यान कर, इस देश का फर्स्ट मोटिवेशन सेमिनार कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो श्री कृष्ण ने आयोजित किया था। अब मैं तेरे को अपने जमाने की कुछ बातें बताता हूँ। वो लाला जी की दुकान पर जाना, चीनी कम करवाना और कहां गया वो जमाना जब बड़ों का सत्कार था, बड़ों की मारने भी प्यार था। कहां गया वो जमाना जब बहू बेटियां भात को भी लेके जाया करती थी और भाई भात ना भी आया करते थे। आगे आने वाला है वो जमाना जब भात को बच्चों को लौटा जाएगा, जब भात बच्चों को लौटा जाएगा फिर भात आएगा। ना जाने कहां गया वो जमाना, ना जाने कहां गई वो शर्म और हया जो बेटियों में थी। एक खांसी के बिना घूमट उठ जाया करता था, सर एक खांसी के बिना घूमट हो जाया करता था। आज वही बहू ससुर से जवान डराती है। जमाना डिजिटल हो चुका है, लेकिन आदमी कैसे याद हो चुका है। भाई भाई को मार रहा है और त्योहार परिवार के साथ में बच्चे के साथ मनाया जा रहा है। माफ कर देना बेटा, अभी देखो मेरे को चुप रही हो, लेकिन इस जमाने में बुजुर्गों को बहुत दुख पहुंचाया है। दोस्तों मेरी कविता लिखने का शौक नहीं, लेकिन मेरे दोस्त है जिसको मेरी कविताएं अच्छी लगती है, मैं उसी के लिए लिखता हूँ। तो मेरी ये कविता देख सुनकर मुस्कुराते बिना तो मेरी जिंदगी सफल है। थैंक यू।